हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है एसएससी की तरफ से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर नंबर ऑफ सीट पे वैकेंसी आई है, तो अगर आप भी इस पोस्ट को लेकर अगर सीरियस हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, इनिशियल इन हैंड सैलरी, मतलब कि कंप्लीट डिटेल में मैं इस पोस्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो अगर आप भी इस वीडियो को लेकर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। बम्पर नंबर ऑफ पोस्ट इसलिए बोला था फ्रेंड्स क्योंकि टोटल पोस्ट ना आपका 7,547 सीट्स पे ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5,056 सीट रखा गया है, फीमेल्स के लिए 2,491 सीट्स रखे गए हैं। सो नाउ हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स क्या रखी गई है। मेल कैंडिडेट्स जनरल के लिए 2,748 सीट है, ओबीसी के लिए 258, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 एंड एससी के लिए 717, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 242 सीट्स रखे गए हैं। फीमेल्स के लिए 1,502 सीट्स है जनरल वालों का, ओबीसी के लिए 142 है, EWS के लिए 268, SC के लिए 429 एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 150 सीट्स रखा गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट डेट्स कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब रहने वाला है। आपका ये फॉर्म फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टार्टेड है 1st of September से एंड लास्ट डेट रहने वाला है आपका 30 September 2023। सो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट तक ना फ्रेंड्स सर्वर की इशू होने लग जाती है, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको फेस ना करना पड़े इसके लिए जल्द से जल्द आप फॉर्म अप्लाई कर दो। रही बात फॉर्म की फ़ी की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज फी लिया जाता है, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी फीमेल उनका फी माफ़ कर दिया जाता है। अब बारी आती है उससे भी इम्पॉर्टेंट डेट की कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एसएससी ने ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट है ना वो अनाउंस कर दिया है। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट तो होगा 14th of November से एंड लास्ट करेगा आपका 5 December 2023। मतलब कि आपका एक ही दिन पेपर होगा, बट इसका जो डेट्स है ना डिफरेंट डिफरेंट डेट पे पेपर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे और इतनी ज़्यादा सीट है तो अच्छे खासे मतलब कैंडिडेट का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो 14 November से स्टार्ट होगा और 5 December तक आपका ये पेपर चलने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। सो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2023 एंड आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स रहना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है फ्रेंड्स कि बॉर्न बिटवीन 2nd July 1998 टू 1st July 2025। मतलब कि जिन भी कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ, वो सभी कैंडिडेट्स का एज लिमिट इसमें आपका रिक्वायर्ड है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी को 3 ईयर्स के लिए, एससी एसटी को 5 ईयर्स के लिए। रही बात फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 पास आउट आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल्स के लिए सिर्फ 10+2 पास आउट हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, और लाइट मोटर व्हीकल का ही सही लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी अप्लाई करेंगे तो लर्निंग लाइसेंस
आप अप्लाई करो, लर्निंग के थ्रू फॉर्म अप्लाई करो, बट इसमें दिया गया है कि जिस समय प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं रहने वाला है। सो आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप फॉर्म अप्लाई करो, अदरवाइज कोशिश करो जल्दी से जल्दी आप बनवा लो, ये एकदम कंपल्सरी पॉइंट रहने वाला है। So now it's time to discuss the selection process. Your selection will be dependable on major four stages. First of all, you have to pass out the written examination. तो ये होता है आपका online examination, जो कि आपका computer based test रहेगा। उसके बाद होगा आपका PET यानी physical efficiency test and PST मतलब कि physical standard test. फिर होता है आपका सेकेंड स्टेज पे DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सिंपल से मेडिकल के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग एग्जाम की पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए, टाइम 90 मिनट्स यानी डेढ़ घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड्स 0.25 मार्क्स का। GK एंड करेंट अफेयर्स के आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। तो 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपका जनरल नॉलेज एंड आपका करेंट अफेयर्स का रहने वाला है। उसके बाद है आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, एंड कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होता है और लेवल थोड़ा सा टफ होता है। जनरली जो आप मतलब डेढ़ घंटे में आपका MTS वगैरह का पेपर होता है, दिल्ली पुलिस का पेपर, उससे थोड़ा सा टफ होता है। तो आपको ना इसका तैयारी भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर सेट बनाओ, और जो एक्सपेक्टेड पेपर वगैरह होते हैं ना टेस्ट सीरीज, वो आप ज़रूर अटेम्प्ट किया करो। सो चलो फ्रेंड्स, अब बता देती हूँ कि एग्ज़ाम तो आपका हो जाएगा, फिर क्या होगा? आपका होगा फिजिकल। तो आओ मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फिजिकल क्राइटेरिया में फ्रेंड्स सबसे पहले होता है आपका PST में हाइट की मेजरमेंट। मेल के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल्स के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। चेस्ट विल बी ओनली कैलकुलेटेड फॉर मेल कैंडिडेट्स, फीमेल्स के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर, मतलब 81 to 85, आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन चाहिए होता है। रेस होता है आपका यहाँ पे, मतलब रनिंग होती है PET में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग को 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। देन होता है आपका लॉन्ग जंप, मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट का एंड फीमेल्स के लिए 10 फीट का लॉन्ग जंप रहता है। हाई जंप भी होता है फ्रेंड्स, आपको मेल के लिए 3 feet 9 inches का होता है हाई जंप, और फीमेल्स के लिए 3 feet का रखा गया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि फिजिकल क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। उसके बाद होगा आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, तब आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ज्वाइन करते हो तो फिर क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। तो चलिए मैं इनिशियली इनहैंस सैलरी आपको बता देती हूँ। इनिशियली फ्रेंड्स आपको 25,500 से स्टार्टिंग होती है सैलरी की, एंड अप टू आपका 81,100 आपका सैलरी रहने वाला है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। तो आप सोच रहे होंगे जॉब की लोकेशन तो दिल्ली पुलिस की है, तो दिल्ली में ही रहेगी। आपका जो पेपर वगैरह है उसके लिए भी आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जाएगा। चूंकि एग्ज़ाम SSC कंडक्ट करा रही है, तो SSC आपको अपने चॉइस के 3 सेंटर का आपको ये देती है ऑप्शन, कि आप अपने पसंद के 3 ऑप्शन को चूज़ करके वहाँ के नियर बाय सिटी में आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने। हाँ फ्रेंड्स, फिजिकल की बात रहे तो वो आपको दिल्ली जाके देना पड़ सकता है। DV और जो भी मेडिकल वगैरह सब दिल्ली में ही होगा। तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बता दूँ आपको प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रही थी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 2020 में भी इसका पेपर हुआ था एंड 2016 में भी हुआ था। तो कैटेगरी वाइज आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एक्सप्लेन कर देती हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं बता देती हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए, 2016 में जनरल का 77 था मेल के लिए, OBC का 76 था, EWS का नहीं था क्योंकि उस टाइम EWS का सिस्टम नहीं था, SC के लिए 70 था एंड ST के लिए 74 था। वहीं 2020 में आपका 72.70 था, 68
72.70 था जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 68.39 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 62.51 था, एससी कैंडिडेट्स के लिए 57 एंड एसटी के लिए 65.1 था। सो आई होप कि मेल का प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप समझ गए होंगे। अब फीमेल्स के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2016 में जनरल फीमेल के लिए 66 था, ओबीसी के लिए 62, ईडब्ल्यूएस का तो सिस्टम ही नहीं था, एससी के लिए 56 था एंड एसटी के लिए 61 था। वहीं पर फ्रेंड्स आपको 2020 के लिए जनरल के लिए 56.1, ओबीसी के लिए 53.4 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 44.9 था, एससी के लिए 45.5 था, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 49.3 था। सो आई होप कि एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। एंड मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स अपने एंड से कि जो भी आपका डिटेल्स है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आप उसको समझ गए होंगे फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में आप आके बता सकते हो, और नहीं समझे होंगे तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इतनी यूजफुल अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी सारी फ्रेश न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।